गुरु ने मेरा क्लास बैठा का फंक्शन हमने स्टार्ट कराया था, तो फंक्शन के हमने अपने टाइप्स हम कंप्लीट कर रहे थे बेटे। फंक्शन के जो टाइप्स है वो हम देख रहे थे, हमने तकरीबन बेटे ऑलमोस्ट सारे टाइप्स हमने कंप्लीट कर दिए। तो हमारा एक टाइप बचता है जो इंपोर्टेंट टाइप है उसको हम अपना कवर करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैं चाहता अगर आपका डीपी स्टडी की जाए आप अच्छे तरीके से हो सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपका होता क्या है, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद अगर आपका सिग्नल फंक्शन बता रहा हूं तुम्हारा इंग्लिश में सही है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो क्या चीज होती है, कैसे हम इसको बताएंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को भी हम इसको देखते हैं। तो बच्चों देखो ऐसा नहीं इंटरेस्ट बैठिएगा, आपको बता दू द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बट एक बहुत ज्यादा खास आपकी बात है, तो इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे इस फंक्शन को, तो मैंने आपको बता दिया अगर किसी भी टाइप के आपके फंक्शन आते हैं तो आप बड़ा फंक्शन कर बैठे उसमें चार बातें आपको देखनी पड़ेंगे। इसकी डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है, सेकंड पॉइंट हम इसकी लिखेंगे डोमेन, इसकी रेंज बेटा हम लिखेंगे, एंड फोर्थ प्लस का बेटा हमारा है ग्राफ। फिर चार चीजें इसके लिए होंगी। तो पहली बात अगर मैं इसके फंक्शन की डेफिनेशन दिखाता हूं, तो ये है बेटा नॉर्मल एक्स, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। कल मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा वो क्या रखता है अपने अंदर, जो उसकी डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो क्या होती है बेटे। जैसे मैंने इधर लिखा 1.2 तो ये ऊपर नंबर लेगा, ये मैंने आपको बताया था, बिकॉज इसका मतलब क्या होता है लेस दैन और इक्वल टू दिस, या तो इससे कम लेस के इक्वल इक्वल था वो वाला अंदर इंटीजर पड़ा होगा, अंदर ऑलरेडी इंटीजर है तो ये हो जाएगा। बट बेटा अगर अंदर अगर इंटीजर नहीं है इससे छोटे वाला, इससे पता क्या 1.2 से जस्ट छोटा क्या आता है 1 आता, तो ये आपका इंटीजर हो जाता है। अगर मैं लो -3.2 इससे जस्ट छोटा इंटीजर -4 तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अभी बेटे आप इसको ना ध्यान से सोच के बताओ कि इसकी डोमेन होनी क्या होगी। चलो डोमेन तो आपको बता रहा है बोल दिए, डोमेन की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि ऐसी बेटी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसके ऊपर तो कोई वैल्यू ना मिले, अनडिफाइंड किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा, आप इसमें कुछ भी दे दो आपको पक्का वैल्यू मिलेगी। मैंने आपको बताया था अनडिफाइंड मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर बाई चांस आपका ये फंक्शन बेटे डिवाइडेड होता है ऐसे करके सेम फंक्शन अगर मैं ऐसे दे दूं तब बेटे आप एक्स को जीरो नहीं दे सकते, बिकॉज अगर आपने एक्स को जीरो दिया तो नीचे आपका जीरो बढ़कर हो जाएगा अनडिफाइंड डिफाइंड, तो वो आप नहीं दे सकते। तो वही चीज जो मैं देना डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं करना चाहिए, बट ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। और अगर ये चीज आपकी रूट में होती तो रूट के अंदर फिर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, तो फिर आप इसमें नेगेटिव नहीं करवाओगे, रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या होती है इस क्लियर के लिए नहीं, तो आप ऐसे वाले से पूछोगे तो इसको इमेज नहीं बना देगा रूट के अंदर, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो डोमेन तो आपकी क्या होगी ओवर रियल, कुछ भी दो थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है ओवर रियल। रेंज देखो बेटा इसमें इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको बताया डोमेन रेंज में ही बच्चों को दिक्कत आती है, इसकी रेंज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अभी देखते हैं इसकी रेंज कैसे निकालनी है, रेंज होती क्या है, रेंज का मतलब बेटा मैं आपको बार बार बताया रेंज का मतलब होता है ओवर आउटपुट वैल्यू, ओवर आउटपुट वैल्यू मतलब जो जो मेरे को मिलता है। अब ये काम करते हैं मैं लड़ लड़ के चेक करता हूं, मैंने रखा इसमें 1 एक्स में मैंने रखा बेटे 1, बेटा ये 1 ही ओवर होगा ना, तो 1 माइनस 1 आपका 0 होगा, तो बिल्कुल मेरे को 0 नहीं मिल रहा सही बात है। मैंने अगर इस तरह के देखा 2.9 चलो ठीक है 2.9 मैंने इसे रखा ऐसे जगह, तो बेटे जब मैंने 2.9 रखा तो ये वैल्यू ही है और ये आपका बेटा 2 ओवर नहीं होगा सही बात है, ये 2 भूल गया बिकॉज ये ग्रेट इंटीजर है इससे छोटा इंटीजर 2 है, तो बेटा इसका क्या है 0.9 बाकी बस सही बात है, तो 0 भी गया 0.9 भी गया। बेटा मैंने इसमें 100 रुपये देख लिया इसको बेटा, ये 100 रुपये आ जाएगी, ये 100 बेटा 100 भूल जाएगा फिर 100 क्यों भूला बिकॉज ये इंटीजर तो है, बेटा ये मिली बात है घर का बात होगी लोगों को एक से बड़ा तो मिल ही नहीं, मैंने रखा बेटा 5.3 बेटा ये 5.3 आ जाएगी, ये 5.3 आ रहा है ये तो 0.3 आ रहा है और देखते रहे
सही बात है माइनस थ्री पॉइंट वन बट इफ आई यूज वो माइनस थ्री पॉइंट वन आपका जो रहेगा माइनस फोर और बाहरी का जो होगा प्लस फोर तो फोर में बटा थ्री पॉइंट वन का बढ़ाया तो कितना आया बटे एक से आपका जो बढ़ाया गया है तो ये क्या होता है मतलब यहां से मुझे एक बात समझ में आई है आराम आते देखो जो भी ये फंक्शन है आपको ये वन भी कभी नहीं मिलेगा वन भी आपको कभी नहीं मिल पाएगा मैंने काफी सारी गलत आपको अपने दिमाग में दिखा दी है आपको अंदाजा लग गया होगा जो क्या चीज मिल रही है कभी दस नहीं मिलेगा कभी पचास नहीं मिलेगा कभी दो नहीं मिलेगा तो बेटा इसके लिए सुनो पता लगे जीरो से लेके वन और वन भी बेटा ओपन में वन भी मिल जाएगा ये है इसकी रेंज जीरो से लेके वन के बीच का मिलेंगे जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट डबल टू डबल थ्री जीरो पॉइंट फाइव सिक्स जीरो पॉइंट डबल नाइन जीरो पॉइंट नाइन एट ऐसे नंबर मिलेगा तो आई थिंक आपको बेटे ये रेंज इसकी जो होगी होगी ऐसे ही आपको बेटे इसकी रेंज निकालनी है अभी बेटा मिश्रा ग्राफ की बात करते हैं ग्राफ इसका क्या होगा देखिए सर ग्राफ बेटे इसका ग्राफ के लिए हम आपके लिए सेटअप करते हैं देखो ये आपका वाई है बेटा ऐसे करो आप जब इसके अंदर जीरो से लेके एक तक के नंबर दोगे ना जीरो से लेके तब आपको बेटा वो कोई झूठी नहीं डाल रहा नहीं बता पाता जीरो से लेके एक तक के आपने नंबर दिए थे जैसे बेटा मैंने जीरो रखा तो आपको जीरो मिला कि मिला सही बात है फिर मैंने रखा है जीरो पॉइंट टू ये तो जीरो घुस जाएगा तो आपको जीरो पॉइंट टू मिला जीरो पॉइंट थ्री लिखा बेटे तो भी आपको क्या मिला है जीरो पॉइंट थ्री तो जीरो जाएगा तो जीरो से लेके वन के बीच के जब आप इसमें नंबर रख दे जीरो से लेके वन के बीच के तब आपको क्या मिल रहा है इसमें हमेशा ही बेटे ये मिल रहा है जो भी आप रख रहे हो आपको वही मिल रहा है जो भी आप रख रहे हो आपको वही मिल रहा है तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे देखते हैं जैसे लेते बेटे ग्राफ इसका वन टू थ्री जैसे ही आपने वन लिया तो फिर से वो जीरो आ जाएगा तो बेटा भोजपुरी के नंबर जो आप बोला जीरो पॉइंट नाइन 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 तो मेरे को भोजपुरी में दिखा नहीं पाऊंगा तो मैं आपके नंबर लगा दूंगा क्योंकि वहां भी तो वो जीरो पॉइंट नाइन 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 जीरो पॉइंट नाइन 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 होगा तो भोजपुरी में दिखा नहीं पाता रोड लगा और वन के बेटा फिर से जीरो हो गया और वन से टू के बीच के नंबर हो गया जैसे वन पॉइंट वन के फिर वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू के वन पॉइंट टू वन पॉइंट फाइव के वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट नाइन के वन पॉइंट नाइन ये चल गया और बेटा दो जैसे ही आप लोगे तो फिर से जीरो हो जाएगा तो ये चीज आपको दिख रही है कमाल का इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है तो ये था बेटा आपका ग्राफ सीधा ग्राफ ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आपका ग्राफ आई होप बेटा आपका ये क्लियर हो गया होगा अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर कर देते हैं क्या होता है अभी सिग्नम फंक्शन तो बड़ा दूसरा हम लिखते हैं एस जी एन टी लिखते बेटा एस जी एन दूसरी लैंग्वेज एस जी एन टी आपका सिग्नम फंक्शन ही है तो बेटा इसकी डेफिनेशन बताओ आपको क्या है जब आपका x जीरो से बड़ा हो रहा है आपको ऑलवेज वन मिलता रहेगा
और जब आपका x 0 होगा तो आपको ये जीरो देगा, और जब आपका x 0 से कम होगा तो आपको वोल्टेज माइनस 1 देगा। तो ये किस तरह का फंक्शन है यार, अजीब सा फंक्शन है बेटा, ऐसे सिंगल फंक्शन का नाम बेटा ये फंक्शन बना दिया हमने बेटा। एक बात और बताऊं, कई बार ना ये फंक्शन आपको दूसरे रूप में भी मिलता है, मतलब दूसरा रूप क्या है इसका, दूसरा रूप देखो क्या है, जैसे fx हमने लिया ये बेटा सिंगल फंक्शन है, तो जो सिग्नम फंक्शन है बेटे वो ये होता है सिग्नम फंक्शन, जब एक्स आपका जीरो से बड़ा होगा तो मतलब जीरो के बराबर होगा तो जीरो जीरो छोटा होगा माइनस, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ इसको मैं तुम्हें बताता हूँ बेटे, एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो एक्स जीरो से बड़ा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, बस जीरो नहीं बड़ा बल्कि मतलब ये दुआ में माइनस नहीं होगा। अभी आप सोच के देखो इसी क्वेश्चन में जब एक्स आपका जीरो से बड़ा होने के लिए तो इसके अंदर कुछ भी बनेगा ना, मोड के अंदर कुछ भी बराबर होता है जीरो के बराबर जीरो है, जब मैंने जीरो से कम किया तो इसके अंदर नेगेटिव बन गया, ये हो जाएगा माइनस वन, तो देखो वन जीरो माइनस वन पास आ जाएगा, ये दोनों फंक्शन आपके आए हैं सिग्नल फंक्शन, ये भी होता है ये भी होता है। तो फर्स्ट तो मैंने लिख दिया एक पॉइंट, तो मैंने लिख दिया डेफिनेशन, अभी सेकंड पॉइंट पर इसके डोमेन, डोमेन हम से क्या करेंगे देखते हैं, ये तो क्या डेफिनेशन, डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे होता है, इसका डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स मतलब जो तुम्हें इसमें रख सकता हूँ उसमें तुम्हारा की डोमेन होती है बेटा, मैं इसमें ना एक्स से बड़े आप इसमें कितने भी नंबर दे सकते हो यार, क्या बात बता रहे हैं, देखो आप इसमें बेटा एक्स से जीरो से बड़े की दे रहे हो, जीरो से छोटे फिर जीरो, ये सारा चीज नहीं हो गया, आप इसमें सब कुछ दे दो तो ये आपका है रियल होल रियल डोमेन का रियल होल रियल बेटा, आपको मिल क्या रहा, आपने ये चीज आपको मिल क्या रहा पता, आपको क्या मिल रहा था एफ एक्स की वाई तो बेटा वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू ऑफ एफ एक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स जीरो नहीं, तो जब x 0 से बड़ा होगा तो आपको 1 मिल रहा है, 0 का आपको 0 मिल रहा है, और जब x x से 0 होगा तो आपको माइनस 1 मिल रहा है, तो बेटा इसका मतलब आपको ओनली एंड ओनली माइनस 1 0 एंड 1, बस ये तीन नंबर मिलते रहे ओनली ये तीन नंबर, तो ये आप यही दे सकते, इसके अलावा सिग्नम फंक्शन आपको कुछ भी नहीं देता बेटा, बस ये तीन नंबर देगा, और इसमें आप देख कुछ नहीं सकते, जैसे बेटा मैं आपको बोलना चाहता हूँ एफ ऑफ 5 कितना होगा इसके अंदर, एफ ऑफ 5 बटे आपका एफ ऑफ एक्स है एक्स जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से बड़ा यहाँ पे आएगा तो जीरो से बड़े जितने भी नंबर है सबके लिए कौन होगा एफ ऑफ 5 आपका बड़ा है, अगर आप आपसे एफ ऑफ 100 जीरो से बड़ा कितना भी होगा 1 होगा, तो देखो ना बेटे आपको बार बार 1 ही तो मिलेगा इस केस में, और जब आपने लिया एफ एक्स को लिया माइनस के 5 जीरो से छोटे के लिए आपको हमेशा माइनस का आता रहेगा, उसके बाद माइनस का मैंने लिया माइनस का 2 माइनस में, जब आपने जीरो लिया तो आपको जीरो मिलेगा, तो ये तीन ही नंबर आपको बार बार मिल गए हैं, तो यही तो आपकी रेंज है ना माइनस का जीरो और 1, अब इसका ग्राफ देखते हैं क्या ग्राफ है, ग्राफ में क्या चला है एक्स का स्क्वायर अगर आपका जीरो है तो ये माइनस में हो जाएगा, ग्राफ देखते हैं क्या होता है, बेटे जब आपका एक्स जीरो से बड़ा है तो वाई बन, एक्स जीरो से बड़े बड़े ये देख सकते वाई बन, ये बन जाएगा, जब आपका एक्स जीरो तो बेटे वाई जीरो का वाई जीरो बेटे ये बता रही है ये है कोई लेन नहीं, जब आपका एक्स के लेस देन जीरो है एक्स जब आपका लेस देन जीरो है तो वाई माइनस वन हो जाएगा, वाई माइनस वन वाई बटे माइनस वन ही आपका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज माई ग्राफ ना व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये आपका बेटे सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो जाता है सिग्नम फंक्शन, तो काफी इंटरेस्टिंग बेटे फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ पावर फंक्शन के बारे में, व्हाट इज पावर फंक्शन, तो ये चार बात इसके बारे में इसको अलग से देख रहा था,
क्वाड्रेटिक फंक्शन टू वी फंक्शन जैसे मैं आपसे बोल रहा था, तो हमारे इसमें हमने सिंपल एंगल ना करा बट सिंपल आगे हम जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, ये आपका पावर फंक्शन कोई एन की वैल्यू बोले जब दो हुआ एक्स स्क्वायर को है बटे पॉलीनोमियल तीन लो मत बटे एक्स दो हो जाएगा, ये दो तरह के फंक्शन बना रहे सारा जो है बटे सर ग्राफ से क्या होता है सर ग्राफ को बटे ये ग्राफ को आप इसमें वैल्यू को घर बटे का वैल्यू आप देते चलोगे जैसे जीरो ग्राफ जीरो वन के ऊपर बटे आपका क्या है जब आपने मान लिया वन के ऊपर बना गया ठीक है बटे माइनस वन के ऊपर भी बनाया माइनस वन के ऊपर वन वन के ऊपर वन टू लोगे वन टू के ऊपर आपका फोर आएगा और माइनस टू के ऊपर आपके आपका फोर आएगा तो ये आपका ग्राफ यहाँ पर टेबल के रेडी हो जाएगा y इक्वल टू x स्क्वायर का पैराबोला वो जब रेस पर को पैराबोला सो आई थिंक आपने यहां से पढ़ा होगा फिर ये हमारे जो प्रोडक्ट है बट इसके डोमेन में बता सकते हो fx इक्वल टू x स्क्वायर के डोमेन में मिले बट इसके जो डोमेन जो भी है डोमेन तो साफ साफ पता है इसमें कुछ भी जीरो डिफाइन नहीं ना हो जाएगा तो डोमेन तो क्या इसकी बोल रही है और जो इसकी रेंज है बट रेंज फंक्शन की जो रेंज है वो है आपकी पॉजिटिव बट आप इसमें कुछ भी रखो किसी का स्क्वायर आपका पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है तो ओवर पॉजिटिव रियल ओवर पॉजिटिव और निकल में जीरो बैठ जाएगा का सत्रह निकल में जीरो होगा ये आपका एड्रेस की रेंज में मैं रहते ग्राफ होगा इसका डेफिनेशन होगी तो ये आपका स्क्वायर फंक्शन तो बड़ा स्क्वायर फंक्शन हो सकते हैं या बात करें आपका क्यूब फंक्शन क्यों भी फंक्शन बट इसका तो ग्राफ होगा आपका इस टाइप का ग्राफ होगा भाई जो ये कैसे आपका कुछ नहीं है वैल्यू लोगे जीरो पे जीरो है आपने मान लिया बटे वन पे वन हो गया यहाँ पे बटे वन पे वन हो गया आपने टू बटे टू पे आपका एट हो गया टू पे ज्यादा हो रहा है माइनस टू माइनस टू पे माइनस एट हो जाएगा तो इस तरह से आपको गलत ही होती दिखाई तो ये है वाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ इसके डोमेन की बात कर रहे हैं इसके जो है इसके जो ग्राफ है आप सीधे याद रखो कि कैसे हम आपकी हेल्प करेंगे इसके जो डोमेन हो जो क्या होगी तो मैं बता सकता हूं मैं कुछ भी जरूर आप समझ नहीं पाएंगे ना होगा आप कुछ भी रख सकते हैं तो थोड़े में आप क्या होगी और जो नहीं है ना वो देख रहे हैं अरे आपको इस वीडियो में जो पॉजिटिव हो जाएगा ना आपको सब कुछ मिलेगा आपको नेगेटिव के लिए पॉजिटिव मिलेंगे तो नेगेटिव नंबर का टू बेटे नेगेटिव तो होगा ना तो रेंज क्या होगी ऑल रियल अभी बेटे हम दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे डोमेन रेंज के ऊपर ये टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने जो बना हम बोल लो ये जो होती है हमें से चली जाती है अब हम बोला जाता है दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं डोमेन रेंज के क्वेश्चन और आपके लिए बेटा ये वाला एक क्वेश्चन है आपके लिए मैं आपको बोल रहा था बेटे किसी डोमेन का बेटा और इस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जैसे पहली बात अगर रूट की चीज है ना तो उसके अंदर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो आप ऐसे नंबर बनाए दोगे जिसके ऊपर ये रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए तो एक्स की ऐसी वैल्यू बेटा वैसे तो आपको पता पूरा रियल सिस्टम होता है रियल नंबर से ही डोमेन आई है ये बात भी पक्की है कई बार तो अगर सारा रियल ही हो सकता है अगर सिंपल समझ लो सारा रियल आपको हो जाएगा डोमेन बोल देंगे बेटा यहाँ पे क्या सारा रियल रख सकता हूँ इसमें क्या मैं सारे रियल नंबर इसमें रख सकता हूँ बेटा भाई इसमें वन रखने के बाद बेटे वन तो बेटे रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा इसलिए मैं इसमें वन नहीं रख सकता बेटा ये मैं इधर ही हो जाएगा ये रियल नहीं है क्योंकि हम रियल फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं हम को भी रियल आई भी नहीं वो होता है तो बेटे मैं ऐसे नंबर से बचूंगा इसमें आप इसमें फोर भी नहीं ले सकते आप इसमें माइनस टू भी ले सकते तो बेटे इसमें अगर आप इमेज में ढूंढा तो बेटे इसमें पांच से बड़े बड़े नंबर ढूंढा पांच से बड़े बड़े नंबर तब आपकी बेटा बात हो जाएगी तो जो आपकी रेंज वो डोमेन हो गया क्या होगी फाइव से इंफिनिटी ये है कि आपकी इसकी रेंज डोमेन है डोमेन सॉरी आप जब एक्स में एक्सपोनेंशियल ही आएगा बस या फिर आप ऐसे ले सकते बेटे एक्स आपका फाइव से बड़ा और इसके एक बंद ऐसे भी ले सकते हैं आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में बैठे ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में है ये इंटरवल की फॉर्म में तो इस तरीके से आप इसको तो ये है आपकी डोमेन वैसे बट आप कैसे सोच सकते थे आपको पता है ये जो चीज है जीरो से बड़ी बननी चाहिए रूट के अंदर की चीज आपकी जीरो से बड़ी बननी चाहिए ना तो इसको आप जीरो से बढ़ाने के लिए चल पड़ो बेटे
तो चल रहा है ये दिनों के अंदर, तो बेटे यहाँ से एक्सटिवल के रूप में आ गए थे तीन मात्र की बेटे को आप सोच रहे हैं कि नहीं, बट मैंने आपको दो तरीके बता दिए है इसके अंदर, मैंने देखना चाहिए आप अपनी तरफ से सोच के देखोगे क्या इसके अंदर मेरा कुछ डिफरेंट तो नहीं होगा ना। जब बेटे मैंने माइंड से रखा, मैंने डिफरेंट बता, मैंने रखा माइंड से ऊपर से डिफरेंट रखा, मैंने रखा फोर तब भी डिफरेंट है इसके अंदर लाइन की क्वांटिटी में, लेकिन जैसे ही मैंने पांच से बड़े नंबर रखे इसके अंदर पॉजिटिव नंबर बन गए, पॉजिटिव नंबर बन रहे थे तो मैं पांच से बड़े ही मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, तभी वो कभी नहीं लेगी आपकी रेंज किसके बात कर रहे हैं, रेंज क्या होगा सर, रेंज रेंज क्या होगा बटे आप इसे गुणा रूट के अंदर की चीज है ना, रूट के अंदर आई है और ये नहीं रख सकता रूट की क्वांटिटी कभी डिफरेंट बात ना हो, ये अगर इसके अंदर वैल्यू बना तो ये नहीं होता ना, तो इसका मतलब रूट कभी भी आपको नेगेटिव नंबर दे देगा नहीं, तो इसके अंदर क्या होगा जीरो से इंफिनिटी होगा बस सिंपल है, तो भाई क्या होगा जीरो से इंफिनिटी आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ जीरो से इंफिनिटी कर लेंगे, नेगेटिव आपको नहीं है और रियल पॉजिटिविटी पॉजिटिव नंबर आपको आएगा बिकॉज रूट है ना, रूट के अंदर कभी नेगेटिव बनता है नेगेटिव आएगा भी नहीं, तो ये था आपका इसका क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन बताते हैं बेटा, हम देखते हैं होता है, तो बेटा
जब आपका भाई आया गेम को, बेटा आपको पता मैं एक्स में चार दे ही नहीं सकता, मैं एक्स में चार दे ही नहीं सकता, तो मैं ग्रेड कैसे मिल सकता है। स्टडी चेक करा है कि अगर मैं चार देता तो मेरा मिलता क्या, मेरे को मिलता गेट, बट मैं चार दे ही सकता, तो मैं वेट भी नहीं करेगा। तो रेंज इसकी क्या हो गई, इसकी जो रेंज हुई वो क्या हो गई, ओल रियल एक्सेप्ट एट। आपको इसके अंदर को भी एट नहीं दिख रहा है, आपको इस तरह दिख रहा है सही लग रहा है, बड़ा क्या दिक्कत है आपको पता है। अगर आपको एट चाहिए तो किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर तो मिलता होगा, तो भाई भाई आप एट करके भाई नहीं मिल रहा एक्स की वैल्यू निकाल दो अपने आपको एट नहीं मिला क्या वैल्यू आएगी, एट एक्स माइनस 32 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 और यहां से माइनस 8x प्लस के 32 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 16। इसको बेटा सॉल्व करेंगे कितना है, देखो d की वैल्यू क्या है, बीस का माइनस 4 से होता है ना, बीस का माइनस 4 तो माइनस 8 का स्क्वायर है माइनस के 4 इनटू के इनटू 16, तो बेटा ये 64 16 का सॉल्व था यहां से, देखो आपका d की वैल्यू आ गया। और दोबारा बेटा अगर आप दूसरे तरीके से करोगे आप इसमें ऐसे ऐसे a माइनस b प्लस b लगा दें ये करके बढ़ जाएगा आपका एक्स ना, फिर चार आ रहा है एक्स आपका है चार है, मतलब चार के ऊपर आपको आठ मिला है, मतलब चार तो दे ही सकते ना, एक्स की वैल्यू चार की आई इसके ऊपर आपको आठ मिलेगा, बट एक्स चार की तो नहीं ना, तो कुछ तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे चार की आपको सो आ गया बटे यहाँ पे चार की आपको तीन तो नहीं आएगा, चार की आया तो मैंने कहा चार के ऊपर है बट चार तो मैं दे नहीं सकता, तो ये इसमें खास बात थी। तो इसको बेटा ट्राई कर लेना,